गाय घाट से आगे जाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा चला जाता है भद्र घाट की तरफ, और ये है पुल के ऊपर का व्यू जहाँ पे काम अभी चल ही रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ हिस्सा बनकर तैयार है, और इस तरफ देख सकते हैं कि रेलिंग भी बनकर लगभग लगभग रेडी है। यहाँ पे छोरों को मोड़ा जा रहा है, सबसे जो छड़ जो निकले होते हैं तो इन्हें मोड़ दिया जा रहा है। एक सेकेंड लेन कब स्टार्ट होगा ये ना पता नहीं चल रहा है। 24 दिसंबर में फाइनल देना है, मतलब गाय घाट से वहाँ कंगन घाट तक, दीदारगंज तक, कंगन घाट तक ना? नहीं अभी इसमें बहुत काम है। अच्छा, स्पेसिंग ज्वाइंट जो है ना इसको, हाँ हाँ, जो पट्टी जिठाया जाता है, हाँ तो वाला काम हो रहा है किसी से। अच्छा, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े मशीन है भाई साहब, मतलब यार ये ऊपर का सेगमेंट रखने के ही काम में आते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ इस तरह का व्यूज देखने को मिलता है आपको। ये बड़े बड़े मशीन है, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये मशीन अभी यहाँ पे हैं। और वैसे तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर का जो सेगमेंट है वो रखने का ये मशीन है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं अभी वीडियो में, ये है भद्र घाट और गाय घाट के बीच का एरिया जिसे हम लोग आलमगंज कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल आलमगंज के आसपास का ही आपको सीन देखने को मिल रहा है, और यहाँ तक काम लगभग पूरा हो चुका है। ऊपर के जो सेगमेंट हैं वो अभी लग दिए गए हैं, और इसी पे मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ से आगे जो है वो रखना बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे लगा हुआ है ये मशीन, तो यहाँ पे एक सेगमेंट रखा जाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारा ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो गाइस, मैं हूँ अभी गाय घाट पे, और अभी मैं गाय घाट पॉइंट ड्राइव इसके सेकेंड लेन पे हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक टॉप किया हुआ है, और इस साइड पे एक ही लेन जो है वो स्टार्ट किया गया है। जब से ये महिंद्रा ड्राइव बना है तब से काफी मजा आ रहा है इस पे राइड करने में। आई होप आपको भी काफी मजा आ रहा होगा। अगर आप दिखा से आ रहे हैं गाय घाट या फिर आप गंगनान से आ रहे हैं गाय घाट तो टाइम की बहुत ज्यादा बचत हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एक ही लेन स्टार्ट किया गया है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में। लेकिन एक खुशी की बात यह भी है कि सेकेंड लेन जो है वो कम्प्लीट बहुत जल्द ही हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गाय घाट के पास में ये ब्लॉक टॉप कर दिया गया है, बस ये बीच बीच में जो खाली स्पेस है इसे भरा जाएगा। गाय घाट के बाद से ये जुड़ने वाला है कंगन घाट तक, तो देखेंगे हम लोग कंगन घाट, भद्र घाट, नौजर घाट भी जाकर कि कितना हद तक काम पूरा हो चुका है इस मरीन ड्राइव का। वैसे तो आप अभी देख रहे हैं कि ये सेकेंड लेन का काम चालू है, और ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में ये सेकेंड लेन भी तैयार कर दिया जाएगा गाय घाट तक। यहाँ से अगर आप गंगा नदी की तरफ देखोगे तो नज़ारे जो है वो कुछ इस तरह का दिखते हैं, और मतलब पटना बदलता हुआ रियल मायने में आपको दिखेगा। वैसे इस वीडियो में मैं आपको गाय घाट से गंगा घाट तक का अपडेट देने वाला हूँ मरीन ड्राइव का। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं गाय घाट से आलमगंज, आलमगंज के बाद भद्र घाट, भद्र घाट नौजर घाट, उसी के आगे हम लोग जाएंगे कंगन घाट तक, और वहाँ तक का जितना भी अपडेट है वो आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी हम लोग हैं पुल के ऊपर में, और अब हम लोग जाएंगे नीचे भी, और नीचे जा करके भी दिखाएंगे कि काम जो है वो कहाँ तक हुआ है और किस तरह से हो रहा है। तो आ गए हैं हम आलमगंज के पास, और यही है वो अप्रोच रोड जिससे हम लोग कनेक्ट होते हैं गाय घाट से, और ये है आगे जाता हुआ मरीन ड्राइव। तो नीचे का भी कुछ व्यू है, ये है पिलर नंबर 133, और भाई नीचे में कुछ अजीब सा लगता है देखने में। नीचे में लोग तबेला, मतलब गाय बांधते हैं तबेला, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं। तो आ गए हैं हम लोग आलमगंज के पास, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि कुछ देर पहले मैं वहाँ से आप लोग को दिखा रहा था नीचे का व्यू, ये जो सेगमेंट का काम है ये आलमगंज से नौजर घाट तक बाकी है। तो नौजर घाट के बाद से जितने भी सेगमेंट हैं वो आपको फुल कंप्लीट दिखेंगे कंगन घाट तक, तो वहाँ भी हम लोग अभी चलेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो एरिया है इसके जस्ट अपोजिट साइड, और नीचे में ये आपको दिख रहा है
भद्रघाट का रोड। तो भद्रघाट में हम लोग फाइनली अभी पहुंच चुके हैं और पीछे आपको पिलर दिख रहा होगा और सामने कुछ ये पिलर्स आपको दिख जाते हैं। तो ये पिलर आप देख रहे हो और यहाँ से ये पिलर आप देख रहे हो, तो यहाँ से थोड़ा सा ये टर्न लेगा और टर्न लेते हुए वो वापस से अपने सीध में चला जाएगा। तो घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं महावीर घाट, और महावीर घाट में आपको कुछ इस तरह का व्यूज देखने को मिलता है। यहाँ इस साइड है मंदिर, तो ये जो मंदिर है यही है लैंडमार्क यहाँ का। इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये हम लोग महावीर घाट में हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ऊपर का जो माला है वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब ऊपर का जो सेगमेंट है वो नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे नौजर घाट या फोर्ट, जहाँ मेरा घर है। तो नौजर घाट में कुछ देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली सा है। और नौजर घाट का जो लैंडमार्क है वो आपको सामने दिख रहा होगा, चित्रगुप्त मंदिर। तो इस लैंडमार्क से हम लोग ये जान जाते हैं कि ये नौजर घाट है। और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा ऊपर का जो सेगमेंट है, ये नौजर घाट के बाद से ही रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो नौजर घाट से आलमगंज तक के बीच का जो एरिया है, यहीं तक बस सेगमेंट रखना बाकी है। उसके बाद पूरे के पूरे जो सेगमेंट है वो कंगन घाट तक जोड़ दिया गया है। तो अभी यहाँ के बाद से हम लोग चलेंगे मोटो ब्लॉगिंग मोड में, और मोटो ब्लॉगिंग मोड करते हुए हम लोग जाएंगे कंगन घाट तक। और कंगन घाट तक का जितना भी सेगमेंट है इस मरीन ड्राइव का, वो सारा का सारा आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारा वीडियो में अंत तक, ताकि आपसे एक भी अपडेट ना मिस हो। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो अब हम लोग नौजर घाट से निकल रहे हैं, आगे मितन घाट, सीरी घाट से होते हुए खसकला घाट जाएंगे, और उसके आगे कंगन घाट तक आपको हम सारा अपडेट देते रहते हैं। तो अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि यहां से जो ऊपर का सेगमेंट है वो रख दिया गया है। तो अभी हम लोग हैं मिथन घाट के पास। तो यहां पे भी आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा कि यहां पे भी पूरी तरह से सेगमेंट जो है वो ऊपर रख दिया गया है। और यहाँ पे भी ये जो आप देख रहा है, आपको यहाँ पे दोनों साइड जो है वो आपको पिलर दिख रहे होंगे इस तरह बिल्कुल सीधे लाइन जो मरीन ड्राइव जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये अप्रोच रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। तो आ गए हैं अब हम लोग कंगन घाट, और कंगन घाट में कुछ आप देख रहे हैं ये बना हुआ है जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये है अप्रोच रोड। तो कुल मिलाकर काम लगभग लगभग कम्प्लीट ही है, और ऐसा अनुमान है कि 2024 में ये पूरी तरीके से कंगन घाट तक जुड़ जाएगा। तो कैसा लगा ये मरीन ड्राइव का लेटेस्ट अपडेट, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।